हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी करवा चौथ, आज है करवा चौथ। और मैं जस्ट अभी नहा धो के पूजा वूजा करके सब कुछ फ्री हो, मतलब मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो करके फ्री हुई हूँ। और इन लोगों के लिए बना दिया है खाना मॉर्निंग का। मतलब आज संडे है ना, तो आज छुट्टी है। आज बहुत बढ़िया डे है कि आज संडे है तो छुट्टी हो गई है, तो आज हेल्प के लिए भी हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा मुझे तो दित्या को भी संभालना पड़ता है ना, तो मुझे एक लोग चाहिए हेल्प के लिए अपनी, क्योंकि फिर वो साथ ही साथ घूमती है किचन के पास बैठेगी और खाना आना बनाओ तो बहुत सारा फैल जाता है। तो आज हेल्प के लिए चाहिए था, तो आज संडे पड़ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज संडे पड़ गया। चलो तो आज ये भी है, तो खाना तो आज सुबह का बनाना ही पड़ेगा। पड़ेगा क्या, बना लिया है मैंने। और उसके बाद सब काम करके आज क्या हुआ, आज मेड भी नहीं आई है, आज वो भी करवा चौथ रखेंगे। तो ठीक है, मैंने बोला मत आना, उनको काफ़ी घर का काम करना पड़ता है, फिर मुझे तो अपने अकेले का करना है। और जब तक मेरी कढ़ी बन रही है, मैंने यहाँ पर कढ़ी चढ़ा दी है, तो जब तक ये पकेगी इसको काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने पहले से ही चढ़ा के रख दी है कि ये पक जाए। और तब तक मैं यहाँ पर मंदिर को भी सजा लूँगी। यहाँ पर मैं अलग से जहाँ पर मंदिर बनाया वहाँ पर तो नहीं सजा रही हूँ, बट अलग से स्पेसियस जगह पर थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, यहाँ पर सारा सामान फैला के बैठ सकूँ और सब लोग बैठ सकें। तो बस एक थोड़ी सी चुन्नी, छोटी सी चुन्नी, ये छोटी सी मेरी चुन्नी है जो मैंने उसको ही लिया है, और एक हैंगर की हेल्प से, मतलब कील की हेल्प से उसको बढ़िया सा एक लुक दे दिया है। और उसमें अपने गणपति जी और जो माता की फ़ोटो है उसको रख दिया, और भगवान जी भी रख दिए एक दो। और एक थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में कुछ फ्लावर शेड किए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, डेकोरेशन के रूप में रख दो ना थोड़ा सा, और गुलाब की पत्तियाँ डाल दो, बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ फूलों से की मालाओं से सजा दिया है। और जो जो मुझे यहाँ पे सामान रखना है वो सारा सामान मैं यहाँ पर रख दूँगी, जो जो पूजा का सामान है वो भी रख दूँगी। और नीचे नहीं जाना है, दित्या लेडी हो गई है। देखो दित्या कैसी लग रही है, दित्या कैसी लग रही है, सुंदर सुंदर सी बर्थडे वाली फ्रॉक पहन ली है दित्या ने। और मेरा ना ये मैंने यहाँ पर पूरा रेडी कर लिया है, पूजा बस करनी है। हमारे पति देव बना रहे हैं सब्जी। चाय पियो दीदी? तुम ही लोग पियो, तुम ही लोग पियो, आज के दिन तो चढ़ाना ही है सबको। ये बन रही है सब्जी। मैं भी सूट पहने हुए हूँ, साड़ी बाद में पहनूंगी। और थोड़े से बालों को ना मैंने क्रंप कर लिया है, देखते हैं कैसे लगते हैं। और ये देखो निकाल दी आपने रिबन, गंदी बात, देखो रिबन निकाल दी उसने। नो, गंदे लगते हैं फिर आपके हेयर। चलो आओ लगा दें, आओ लगा दें, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे, दिखाओ लगा दे। ऐसे नहीं निकालते ना उसको, कितनी अच्छी लग रही थी। No, no. वो बालू डाल दो, थोड़ा रखो, देखो आहा, अब नहीं निकाल लो, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दित्या, अब मत निकाल लो, ऐसी अच्छी लगती है, आपकी हर्ष अच्छी नहीं है ना, पता नहीं कैसे बाल है उसके। तो चलो अच्छा बाहर चलना है घूमने करने। चाओ। चाओ।
यहाँ पंजाब का सिस्टम कुछ अलग है। यहाँ से 3 बजे से कथा हो जाती है और यहाँ पर नाश्ता पानी हो जाता है, चाय पी लेते, पानी पी लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो ये लोग सब लोग कथा करके और यहाँ पर सब लोग साथ में इकट्ठा बैठे हुए हैं। बट मैंने इन लोगों के साथ नहीं व्रत तोड़ा है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही व्रत को खोलूँगी, जैसे हमारे घर पर होता है रात में चाँद देखने के बाद। और यहाँ पर मेरी खीर भी पक गई है, खीर भी मैंने बनाई है और सारा मेरा खाना बन गया है। एंड लास्ट में मैं पूड़ियाँ सेक के भी रख दूँगी, पूजा में क्योंकि लगेंगी वो, तो पहले से ही तैयार होने के पहले मैंने सेक के रख दी हैं। और यहाँ मेरे पतिदेव भी हेल्प करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकल जाएँ, ताकि क्योंकि आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो इनको भी जल्दी था कि जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, बाद में ये ना मुझसे बोले कुछ। तो इन्होंने मेरा बड़े जल्दी जल्दी काम करवा लिया। मैं बहुत इस बार मैं ना पूरा करवा चौथ बहुत फ्री होके मैंने मनाया। खाना बिल्कुल रेडी है और किचन भी साफ हो रही है। ये दे रहा है मेरा सारा खाना, ये पूड़ियाँ भी बन गई हैं और पापड़ भी मैंने निकाल दिए। ये मेरी खीर और पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और राइस, खीर, कड़ी, कच्चा पक्का दोनों का दोनों ही बनता है। तो कच्चे में कड़ी और चावल बन गए हैं, पक्के में सब्जी और पूड़ियाँ बन गई हैं, तो दोनों ही हो गए हैं। और सारा खाना रेडी, अब मैं जाऊंगी रेडी होने। दित्या तुम अभी तक रेडी हो? हाय बोलो। अच्छा हाय क्या कुछ दे दो खाने को, उसको पूड़ी दे दो। अभी पूजा की थाली भी रेडी करेंगे, पूजा की थाली बाद में रेडी करेंगे, पहले खुद रेडी हो जाए ना, उसके बाद ही रेडी करेंगे। क्या लेना है आपको? टॉफी नहीं खानी है? चलो अभी देखते रेडी होगे। पूजा थाली रेडी, ये रही मेरी पूजा की थाली, सारा मैंने इसमें खाना रख दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो बहुत शिव साड़ी और हल्का फुल्का शाम मेकअप, आज मैंने आई लाइसेस भी लगाई हुई हैं, देख रहे हैं ना, तो बहुत हल्का फुल्का शाम मेकअप और बस ये रेडी और ये Thank you.
दीदी।